अरे मिगी भी सर्दी लगनी है, मैंने साला मां जी नाजरीन जिस साथ मौजूद है इतने खूबसूरत ये जगह पर, एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, एक नेचुरल स्विमिंग पूल और एक वाटरफॉल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। अकील साहब फैसला किया कि वो इसमें की स्विमिंग कर सें, इस नेचुरल स्विमिंग पूल स्विमिंग करी असें कर सें और उन्होंने जो स्विमिंग में लम्हा थे ये अस कैप्चर कर सें। अकील साहब क्या महसूस कर रहे, पानी ठंडा हो सा या ना कैसे अंदर? उसमें भाई पानी तो ठंडा लेकिन वो दूर आए नहीं तो अंदर जाना इसलिए काफी गर्मी है तो ये ठंडे पानी से के दूर होती। हां कोई स्विमिंग करी दसो फिर आ सब ये नाजरीन की है। बस कोई तरे नहीं है इतनी, बस तरे नहीं जाए तो या कोई नहीं ना डूबी अच्छा तो मैं भी ना कडू ना दे कोई इतनी खास जवाज नहीं है। चलो देखी कि नहीं आसमान सीखी इंसान ये जो मौका आना सीखे ना जड़ाना। चलो ठीक है अभी और अकील भाई कर सन स्विमिंग आज तुसा ही दसा। चलो मैं फिर कपड़े समेत बढ़ सही अगर डूबी ऐसा कुदा कोई कुर्ते शुरते पौड़ी चिक्की कड्डी छुड़े। चलो जी ठीक है जी। सामने सामने अकील साहब जा रहे जुल्ले पौनिया विच इथे कर सन स्विमिंग ते स्विमिंग विच ऐसा भी अपने जोर दस सन स्विमिंग विच ते देखो हां ये नेचुरल एक कश्मीर दा जी ये सारा नेचुरल एक स्विमिंग पूल दा जिसी जे नाले दा ए डुबिया ओ नहीं नहीं निकली है मुझ ए आ हुन कुदा मला थल्ला गए थी जी हूँ दिसने नी जी ओ अकीलपुर गया भाई ओ जी भाई और इतने दिसने नहीं तो मला डूबी है हम देखो ओहो ये तो बड़ा जुल्म हो गया जी। देखो अकूर गया जी पाथे बड़े से जी तो पता नहीं कुदर गए जी ओह उधर कैसी नहीं थे। अकील साहब क्या महसूस कर रहे हो? हाँ नहीं तो पौनिया नहीं का पोजिशन है ठंडा पानी है तो कोई छोटा छोटा मारी दसो ना सोनी उठे कच्चे को पार फवारे उठ कच्चे हाँ आ देखो ना ये ना भी कश्मीर ये ना सरीर स्विमिंग पूल तो माशाल्लाह बिल्कुल बच्चे उठ गए थी जी हम तरने तरने अच्छे सड़े आ देखो हाँ अकील पानी इतना छोटा था कि अकील साहब बंद जरा था वो कंबू लगे कुछ देख ही सकने हो सामने सामने अकील साहब कंबने शुरू हो गए तो वो अकील साहब एक वो उस बटेरा चढ़ी तो बड़ा छलोपा मारी दस्ते नस्ते जी जी ना जिन तू देखी सकने कि अकील भाई उन चने ऊपर होने जाने चने उसने अद्धा बीच अद्धा ही जाई गए उसू जरा ना स्विमिंग करने चने ना माशाल्लाह खूबसूरत सी खूबसूरत नज़ारे जरे देख ले उसने सर्दी लगनी है मैंने साल में Thank you.
इस टाइम हमारा बीपी समझ लो बहुत हाई है, पानी बहुत ठंडा सा, इस वजह से पूरा जोर लाया इस चीज ताकि मैं अपना टेम्परेचर मेंटेन रखी सकूं। और उस्मान भाई तुसा नहीं वजह से यह जगह असं एक्सप्लोर की थी। मैं कुदरती नजारे ना तो बहुत शौकीन से, इसके अलावा मुझे स्विमिंग ना बहुत ज्यादा शौक सा। मेरे कोई दोस्त अबाब है उन्होंने असा मंगला डैम विच भी गशी असा स्विमिंग की, नहरों च भी की, मुख्तलिफ कश्मीर ने जेडे मुकाम है उन्होंने च गया। लेकिन जरा मजा इस आया खास करी जिस टाइम मैं उपरा छलोंग मारी, तो यकीन मानो कि मैं अपने अल्फाज की बयान नहीं करी सकना। तो तुसा नहीं वजह से असा खूबसूरत नजारा भी देखा, बहुत साफ शफाफ पानी है, बिल्कुल नीचे तय तक साफ सुथरा पानी है, कोई किसी किस्म का गंद नहीं। यो इस तरह लगना ना फ्रेश वाटर है कोई, समझ लो चश्मा टाइप जड़ा ना, बिल्कुल कुदरती ठंडा पानी। और मैं तमाम दोस्तों संग भी यह गुजारिश कर सा कि इस मुकाम पर अच्छो सफर थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस टाइम इतने पहुंचो महसूस दसो तुम अपनी थकान भुली जासो। वाटरफॉल भी है बेहतरीन, खास करी जेडे लोग माउंटेन क्लाइंबिंग ने शौकीन है वो अच्छे ने अच्छी इस पहाड़ पर चढ़ी उपरा डाइव भी करें, बहुत जबरदस्त एक समझ लो कि कुदरत ने बेहतरीन नज़ारे तुम अच्छी इतने इंजॉय कर सकते हो। और पलंदरी पॉइंट ने तमाम व्यूअर संग गुजारिश कर सा कि इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मजीद लोगों तक भी वो नज़ारे पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजीन जिस तरह अस मौजूद छ डना पोठी मीर खान ने कोल है ग्रां का, इसकी बालेल आखने पिछले की इस जगह की नाली आखने खूबसूरत तरीन जगह दी है और एक बेहतरीन वाटरफॉल पीछे तुम देखने उसको। यह जी वीडियो आई थे असी बनाई सिर्फ अपने नागजीन कि सुधनोती की एक्सप्लोर करो, माशाल्लाह सुधनोती भी बहुत सोनिया सोनिया जगह हुई। तो उम्मीद करने तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद अच्छा साड़ी हौसला अफजाई करी छोड़ा करो। तो सारे जुड़े रहने में बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह एक नए दिन एक नई वीडियो भी एक नई जगह फिर मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।